Hello friends and dear students, today we will discuss structure-activity relationship of barbiturates and barbiturates derivatives. These barbiturates or barbiturates derivatives are used as sedative, hypnotics, antidepressant or anticonvulsant drugs. तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका जो है अगर एक जनरल स्ट्रक्चर देखें बारबिट्यूरेट्स का तो ये एक साइक्लिक रिंग सिस्टम होता है जिसमें छः एटम की एक साइक्लिक रिंग सिस्टम है जिसमें दो नाइट्रोजन है पहले और तीसरे पोजीशंस पे और दूसरे चौथे पांचवे और छठवें पोजीशंस में यहाँ पे कार्बन है। जैसा कि आप इसको सावधानी से देख सकते हैं कि पहले और तीसरे नंबर पे जो नाइट्रोजन्स हैं वहाँ पर हाइड्रोजन्स होंगे जिनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरे चौथे और छठवें नंबर्स पे यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन्स हैं यानी कार्बोनिल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन ने बना रखे हैं। तो आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं एक समरी कि अगर इस स्ट्रक्चर में हम बदलाव करते हैं बारबिट्यूरेट्स के तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव हिप्नोटिक जो एक्टिविटी है उसके ऊपर। तो अगर आप इस नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है जनरली अगर हाइड्रोजन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइड्रोजन है तब भी एक्टिव कंपाउंड्स हमको मिलते हैं और आप चाहें तो इस हाइड्रोजन को स्मॉल एल्किल ग्रुप्स के साथ क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। अगर स्मॉल एल्किल ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप के साथ इसको आप एक्टिवेट करते हैं तो इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है इसकी जो जो ऑनसेट है यानी एक्टिविटी शुरू होने की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाती है वो जल्द कम हो जाती है जल्दी ये शुरू हो जाता है इसकी एक्टिविटी और ये तेज़ी से CNS के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करता है प्रवेश कर सकता है इंटर कर सकता है लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाता है गिर जाता है। तो जब भी बारबिट्यूरेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो दो बातें बहुत ज़रूरी हैं एक तो उसकी एक्टिविटी कि वो एक्टिविटी कितनी है उसकी और दूसरा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है उसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन भी करते हैं अगर आपने इसका क्लासिफिकेशन देखा होगा तो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाती है अगर हम लोग यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। ये जो ऑक्सीजन ग्रुप आप देख रहे हो दूसरे चौथे और छठवें इन तीनों पोजीशंस पे ऑक्सीजन का जो ये कार्बोनिल कार्बन है या कार्बोनिल ग्रुप जो है ये इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी बट इन द पोजीशन नंबर टू दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन मे बी रिप्लेस विद द सल्फर। अगर आप चाहें तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सरपस सल्फर और जब आप इसको सल्फर से करते हैं तो थियो बारबिट्यूरेट्स जो है वो हमको मिलते हैं बट दीज थियो बारबिट्यूरेट्स आर ऑल्सो गिविंग द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फास्ट ऑनसेट तो होता है यानी एक्टिविटी तो बढ़ती है बट जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो आप जा सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जाइए लेकिन इस पोजीशन नंबर टू की बात हो रही है बाकी चार और छः को हम लोग नहीं बदलेंगे सिर्फ पोजीशन नंबर टू के ऑक्सीजन को आप सल्फर के साथ क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं फॉर फास्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सॉरी फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन बट शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर होता है। तो जैसा मैंने कहा चौथे और छठवें नंबर पे जो ऑक्सीजन हैं दे आर इसेंशियल इनको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस आते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में या इसके नए नए डेरिवेटिव्स बनाने में वो हमको मिलते हैं कार्बन नंबर पाँच पे। ये जो पोजीशन नंबर पाँच पे आप देख रहे हो दो हाइड्रोजन्स होते हैं इन दोनों हाइड्रोजन को हमको सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि विदाउट सब्स्टिट्यूशन इसकी एक्टिविटी जो है वो उतनी अच्छी आती नहीं है। अगर आप इसकी जो हाइड्रोजन से उनको रिप्लेस करते हैं चाहे आप R2 चाहे R3 जो भी चाहे वो उन दोनों में आपको रिप्लेसमेंट आप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स के चेंज के साथ कर सकते हैं तो जो शॉर्ट बड़े अल्किल ग्रुप लाइक अल्किल ग्रुप्स अप टू 5 to 7 कार्बन जो एक्टिविटी है सेडेटिव एक्टिविटी है ये क्या हो जाती है इंक्रीज करती है। आप चाहें तो इन दोनों कार्बन के जो डेरिवेटिव्स आप लगा रहे हैं अल्किल चेन आप लगा रहे हैं उसको अगर आप ब्रांच चेन लगाते हैं या साइक्लिक चेन आप लगाते हैं या अनसेचुरेटेड साइक्लिक चेन्स या अनसेचुरेटेड एल्किल चेन आप यहाँ पर लगाते हो तो जो आंसेट है जो एक्शन है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जब भी एक्शन बढ़ेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी शॉर्ट हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बारबिट्यूरेट्स के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप जो एल्किल चेन आप लगा रहे हो अगर वो 5 से 6 कार्बन तक की लगा रहे हैं तो सेडेटिव एक्टिविटी तो बढ़ती है और एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी उसके साथ साथ बढ़ रही होती है लेकिन जब इसके ऊपर की लंबी चेन आप लगाते हैं तो एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है यानी 8, 9, 10 कार्बन की चेन अगर आप लगाओगे तो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी लेकिन एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो आइए अब बढ़ते हैं और इस पूरे जो
अभी मैंने जितनी बातें कही इनको डिटेल में देखते हैं विथ देयर एग्जाम्पल्स। अगर आप कहें जैसा भी मैंने कहा तो जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है बारबिट्यूरेट्स की, वो तीन मेजर पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तीन मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट तो ये कि ये जो एन पे एच लगे हुए हैं इनको हम रिप्लेस कर दें। दूसरा हमारा ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कमन नंबर पाँच या पोजिशन नंबर पाँच पे जो हम रिप्लेसमेंट करते हैं वहाँ पे हम क्या क्या रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और जो हमारे ऑक्सीजन है खास करके पोजीशन नंबर टू पे ऑक्सीजन, बाकी फोर और सिक्स वाले ऑक्सीजन। तो इनके यही तीन पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। R1 पोजीशन नंबर वन पे, R2 और R3 एट पोजीशन नंबर फाइव पे, और जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग है, और कार्बोनिल ग्रुप जो कि दो चार और छः पोजीशंस पे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पोजीशन नंबर वन और तीन। जनरली नंबर तीन पे तो हाइड्रोजन ही रहता है, नंबर वन आप रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो नंबर तीन के को भी रिप्लेस करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग जो है प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो पोजीशन नंबर वन या पोजीशन नंबर तीन पे जनरली जो है हाइड्रोजन ही होता है, यानी अनसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप एल्किल ग्रुप के साथ इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन स्मॉल एल्किल ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप के साथ जब आप करते हैं तो शॉर्टर ऑनसेट, यानी एक्टिविटी दिखने की या एक्टिविटी शुरू होने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्टर ऑनसेट और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोथ होता है जब आप स्मॉल एल्किल ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप इस पर लगाते हैं। मिथाइल ग्रुप लगाने से जो लाइपोफिलिसिटी है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है हमारी ड्रग के, और जिसकी वजह से जो CNS के अंदर एंट्री करने की जो कैपेसिटी है हमारी ड्रग की वो फास्ट हो जाती है, तेज़ हो जाती है, यानी हमारा ड्रग जल्दी से तेज़ी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्टिव ड्रग्स हैं, लाइक बारबिटल है। बारबिटल में आप देख रहे हो जो N1 है N2 दोनों पे हमने हाइड्रोजन लगा रखे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी ड्रग है, एक एक्टिव ड्रग है, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग है, यानी लंबे समय तक ये आपके शरीर के अंदर एक्शन शो कर पाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप इस ड्रग की बात करें तो इसका जो ऑनसेट है वो क्या होता है, लो होता है, यानी लंबे समय के बाद ही अपना एक्शन शुरू करती है और लंबे समय तक भी एक्शन देती है, दीज आर बारबिटल्स। अगर आप चाहें तो इस नाइट्रोजन को CH3 के साथ देखिए, दो अलग एग्जांपल लिया हमने, मीथो ऑर्बिटल या फिर हेक्सा ऑर्बिटल, इन दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है मिथाइल के साथ। ये दोनों एक्टिव ड्रग्स तो हैं लेकिन इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं छोटे एल्किल ग्रुप के साथ तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम हो जाता है, लेकिन एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और CNS के अंदर इंटर करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आइए अब बात करते हैं पोजीशन नंबर टू की। पोजीशन नंबर टू मतलब इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। अगर ये जो पोजीशन नंबर टू है वहाँ पे जो कार्बोनिल फंक्शन है, कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे बना रखा था, जैसा कि अभी आपने डिफरेंट ड्रग्स में देखा, जो भी ड्रग्स थी इन सभी जगहों पे, ये सब एक्टिव ड्रग्स हैं, इन सभी जगहों पे हमने क्या लगा रखा है, ऑक्सीजन यहाँ पर लगा रखा है। ज़्यादातर जगहों पे यहाँ पे ऑक्सीजन ही आपको मिलती है, लेकिन ये इसेंशियल है इसका मतलब। लेकिन आप चाहें तो ये पोजिशन नंबर टू के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हैं सल्फर के साथ, जो कि हमारी ड्रग को मोर लिपिड सॉल्युबल बनाती है और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट हो जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वो भी शॉर्ट हो जाता है, यानी जल्दी से अपना एक्शन शो करेगी और कम समय के लिए ही एक्शन शो कर पाएगी अगर आप यहाँ पर इस ऑक्सीजन को सल्फर के साथ रिप्लेस कर दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है, इस सल्फर में हमने देखा कि यहाँ पर C2H5 है और ये एक ब्रांच चेंज यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है, पांच कार्बन की, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को चेंज कर दिया सल्फर के साथ, तो थियोपेंटेनोन बनता है, और ये थियोपेंटेनोन इज वेरी एक्टिव ड्रग, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो कम होता है। और ये एक्टिविटी इसकी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अगर आप इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं सल्फर के साथ। आइए बात करते हैं पोजिशन नंबर, दिस इज फोर एंड सिक्स, पोजीशन नंबर फोर एंड सिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है पोटेंसी के लिए। अगर आप इस कार्बोनिल फंक्शन को या इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं या तो सल्फर के साथ या किसी और एटम के साथ, तो ये पोटेंसी को क्या करेगा, सीधे डिक्रीज कर देगा, आपकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसलिए चौथे और छठवें नंबर के जो ऑक्सीजन हैं इनको हमको रिप्लेस नहीं करना है। नेक्स्ट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हमने जैसा बार बार कहा कि इस कार्बन नंबर पाँच पे जो दोनों हाइड्रोजन है उनको हमको रिप्लेस करना है, और आप देख रहे हैं जितने भी एग्जांपल हमने लिए सब में इसको हमने क्या कर रखा है, रिप्लेस कर रखा है। तो बोथ हाइड्रोजन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द
एक्टिविटी, आप दोनों हाइड्रोजन को हमको क्या करना होता है, यहाँ से सब्सटीट्यूशन करना होता है। जितना इंक्रीज करते हैं एल्किल ग्रुप के लेंथ को, उससे भी इफेक्ट पड़ता है हमारे आपके एक्टिविटी पर। जैसे जितना आप लंबी लंबी चेन लगाएंगे, वैसे वैसे एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप, एक और जरूरी बात है, 5 से 6 कार्बन तक की चेन अगर आप बढ़ाते हैं, तो ये इन्हेंस करती है हमारी हिप्नोटिक एक्टिविटी को, क्या करती है, इंक्रीज करती है। बियॉन्ड 5 से 6 के ऊपर आप जाते हैं, 7, 8, 9, 10 कार्बन की चेन अगर आप लगाते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी तो डिक्रीज होती है, लेकिन एंटी कन्वल्सेंट एक्शन जो है, या एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी इस ड्रग की या बॉर्बिटल्स की, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो 5 से 6 कार्बन तक की चेन अगर आप लेकर के चलते हैं, तो पोटेंसी हमको हिप्नोटिक की क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। बहुत सी चीज़ें इसमें और भी हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए, तो ये हमारा बार्बिटल का एग्जाम्पल है। बार्बिटल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो कार्बन की जो है चेन हमने लगा रखी है, यहाँ पे हमने 3 कार्बन की चेन कर दी, यहाँ पे हमने 5 कार्बन की चेन कर रखी है, जो कि एक ब्रांच चेन है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने एक क्या रखा है, एरोमेटिक रिंग लगाई है। एरोमेटिक रिंग भी लगाना है, अगर यहाँ पे एच रहेगा तो ये फिनोबार्बिटल कहलाएगा, अगर इस एच को CST से रिप्लेस कर देंगे तो मिफोबार्बिटल ये कहलाता है। लेकिन अगर आप देखिए, तो इस तरीके से जब आप इसकी कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं या उसमें ब्रांच कर रहे हैं, यहाँ पे हमने संख्या बढ़ाई, यहाँ पे हमने ब्रांच किया, यहाँ पे हमने एरोमेटिक रिंग की, तो जो हिप्नोटिक एक्टिविटी है या लाइपोफिलिसिटी है ड्रग की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जैसे जैसे आप ये सब करते जाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी अगर हम अपनी ड्रग में कार्बन नंबर 5 पर लंबी चंबी चेन लगाएं, ब्रांच चेन लगाएं, या अनसब्स्टिट्यूटेड चेन लगाएं, और क्या नाम है वहाँ पे, अनसेचुरेटेड चेन लगाएं, सॉरी, वहाँ पे साइक्लिक चेन लगाएं या अनसेचुरेटेड साइक्लिक चेन लगाएं, तो हिप्नोटिक एक्टिविटी तो बढ़ती है, लाइपोफिलिसिटी भी ड्रग की बढ़ती है, ताकि वो CNS में इंटर कर पाए, लेकिन साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। यानी एक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा, जब भी आप इस तरीके का कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे मैंने कहा, अनसेचुरेटेड एलिफेटिक चेन लगाएंगे तब भी एक्टिविटी इंक्रीज होगी लेकिन ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ब्रांच एलिफेटिक चेन लगाएंगे, यानी कि आप जैसे कि 4 कार्बन की चेन है, तो आप उसमें ब्रांच चेन लगाइए, तो क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज होगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ब्यूटेल बार्बिटल है, सॉरी ब्यूटेल बार्बिटल, तो ये जो ब्यूटेल बार्बिटल है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पर अन ब्रांच जो है C4H9, यानी 4 कार्बन की चेन लगी हुई है, लेकिन R2 जो है वो हमने अब चेंज कर दिया है, सॉरी R3 जो है वो एक अनसेचुरेटेड एलिफेटिक चेन के साथ किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एलाइल ग्रुप जो है लगा हुआ है, इस एलाइल ग्रुप की वजह से इसकी एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, इन द अगर आप इसको कंपेयर करें बार्बिटल या किसी और ऐसी ड्रग से जहाँ पर अनसेचुरेटेड एलिफेटिक चेन ना हो, यहाँ पे है तो ये क्या होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी। अब इससे भी ज़्यादा एक्टिव और इससे भी कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली एक ड्रग है एप्रोबार्बिटल। एप्रोबार्बिटल में क्यों, अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक ब्रांच R2 पे हमने एक ब्रांच चेन लगाई है, CH CH3 CH3 की ब्रांच चेन एक लगा दी, और एक जो है एलाइल एलाइल ग्रुप लगाया है जो कि अनसेचुरेटेड एलिफेटिक एसिड है, तो इसकी एक्टिविटी बार्बिटल ब्यूटल बार्बिटल से क्या होगी, ज़्यादा होगी एप्रोबार्बिटल की, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, इससे कम होगा। तो जब भी आप इस तरीके का यहाँ पर बदलाव करेंगे, तो एक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, कम होगा। अब जैसे कि साइक्लिक या एरोमेटिक रिंग लगाते हैं, तब भी एक्टिविटी इंक्रीज होती है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे आप जो है एक एरोमेटिक रिंग लगा रहे हैं, फिनोबार्बिटल है, जब यहाँ पे NHH होगा और यहाँ पे H को रिप्लेस कर देंगे CH3 से, तो मिफोबार्बिटल बनता है। इसकी एक्टिविटी आप देख रहे हो कि बढ़ी हुई है, लाइपोफिलिसिटी बढ़ी हुई है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, सबसे कम है। और अगर अनसेचुरेटेड साइक्लिक एसिड रिंग लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि साइक्लिक, अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जहां पर साइक्लिक रिंग तो है लेकिन वो अनसेचुरेटेड साइक्लिक रिंग है, तब भी जो है एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक ही बात याद रखनी है, जितनी बार बदलाव करेंगे उतनी बार क्या होगी, एक्टिविटी तो इंक्रीज होगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। जैसे दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, साइक्लोबार्बिटल का और हेक्सोबार्बिटल का, इन दोनों जगहों पर आप देखिए, इन दोनों ड्रग्स में अंतर सिर्फ इतना है कि NH पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो साइक्लोबार्बिटल है, H को हमने रिप्लेस कर दिया
CH3 के साथ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेक्सोबार्बिटल। लेकिन इन दोनों पे आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ पर एक एक सिक्स कार्बन की साइक्लिक रिंग है जहाँ पर एक जो है अनसेचुरेशन उपलब्ध है। तो ये जो डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड वाली साइक्लिक रिंग लगी हुई है 6 कार्बन की, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी तो इंक्रीज होगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इन दोनों की बात करें तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर हमने एन पे CH3 लगा रखा है, लाइफोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, CNS के अंदर जल्दी जाएगी, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका इन दोनों के कंप्रेशन में इसका क्या होगा, कम होगा। तो ये था सार ऑफ बार्बिट्यूरेट्स, जहां पर आप जब भी बदलाव करेंगे इन दोनों का, इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटाएंगे, बड़ी चेन लगाएंगे, अनब्रांच सॉरी ब्रांच चेन लगाएंगे, आप साइक्लिक रिंग लगाएंगे, एरोमेटिक रिंग लगाएंगे, क्या होगा कि एक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर मिथाइल ग्रुप के साथ सेम होगा, एक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा। तो ये था सार ऑफ बार्बिट्यूरेट्स। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, उसको आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो बच्चों को ज़रूरत हो उनको शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो इसको आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।